हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर अवार्ड को सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक कहा जाता है और ये अवार्ड सिनेमा में काम कर रहे कलाकारों को फिल्मों में उनके बेहतरीन योगदान के लिए हर साल दिया जाता है। फिर वो हीरो हो, हीरोइन हो, विलन हो, सिंगर हो या फिर फिल्म डायरेक्टर हो, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार है जो ये अवार्ड एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5-5 बार जीत चुके हैं, जिनमें विमल राय जी, किशोर कुमार जी, आशा भोसले जी, दिलीप कुमार जी और अमिताभ बच्चन जी जैसे कलाकार शामिल है। ये हम सभी जानते हैं फिल्म फेयर अवार्ड की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का और बेस्ट विलन का अवार्ड फिल्मों में हीरो और खलनायक को दिया जाता है और ये अवार्ड साल 2007 तक दिया जाता था जो बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन जब तक ये अवार्ड दिया जाता था तब इस कैटेगरी में हिंदी सिनेमा के कुछ लीड एक्टरों ने बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम किया था और उन्हीं एक्टरों में 6 एक्टर ऐसे भी है जिन्होंने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तो जीता ही साथ ही बेस्ट विलन का अवार्ड भी अपने नाम किया। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे 6 एक्टरों के बारे में जिन्होंने बेस्ट हीरो का फिल्म फेयर अवार्ड तो जीता ही साथ ही बेस्ट विलन का अवार्ड भी जीता। कौन है ये एक्टर, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। फिल्म फेयर अवार्ड की कैटेगरी में बेस्ट हीरो और बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले पहले एक्टर की बात करें तो उनमें नाम आता है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर का नाम आज हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में लिया जाता है जिसकी एक वजह उनकी बेहतरीन एक्टिंग है। नाना पाटेकर ने अपने पूरे फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए है, चाहे फिर वो किरदार हीरो का हो, विलन का हो या फिर कॉमेडियन का हो। इन सभी किरदारों से नाना पाटेकर ने सालों तक दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है जिसके लिए उन्हें दर्शकों का प्यार तो मिला ही साथ ही कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया जिनमें नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। हिंदी सिनेमा में ऐसा बेहद कम ही देखा गया है कि किसी एक्टर ने हीरो और विलन का किरदार निभाया हो और उसे दोनों ही कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला हो। लेकिन नाना पाटेकर हिंदी सिनेमा के ऐसे एक्टर है जिन्होंने इन दोनों कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। नाना पाटेकर ने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड साल 1994 में आई उनकी फिल्म क्रांतिवीर के लिए जीता था। इस फिल्म में उन्होंने प्रताप नाम के युवक का किरदार निभाया था जो समाज के करप्ट लोगों को एक साथ गोलियों से भून देता है। इस फिल्म ने नाना पाटेकर ने बेहद ही शानदार एक्टिंग की थी जिसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर के साथ नाना पाटेकर ने 2 बार विलन का किरदार निभाकर फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया है जिनमें उन्होंने पहली बार साल 1992 में उनकी फिल्म अंगार में निभाए गए माजिद खान के किरदार के लिए और दूसरी बार साल 2005 में उनकी फिल्म अपहरण के किरदार तरवेज आलम के लिए बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इन दोनों ही फिल्मों में नाना पाटेकर ने बेहद बेहतरीन एक्टिंग की थी। नंबर 2, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान पिछले 30 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इन 30 सालों में उन्होंने कई फिल्मों में कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं जिनमें रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन और सीरियस किरदार शामिल है और इन्हीं किरदारों की वजह से शाहरुख खान बॉलीवुड के ऐसे एक्टर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड अपने नाम किए हैं जिनमें से एक फिल्म फेयर अवार्ड भी है। शाहरुख खान ने जिस तरह फिल्मों में रोमांटिक हीरो के किरदार निभाए है वैसे ही उन्होंने कई फिल्मों में विलन के किरदार भी निभाए है जिसके लिए उन्हें बेस्ट हीरो और बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। ये हम सभी जानते हैं शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म बाजीगर, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, देवदास और माय नेम इज खान के लिए मिला है। वैसे ही बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड साल 1994 में उनकी फिल्म अंजाम के लिए मिला है। इस फिल्म ने शाहरुख खान ने एक अमीर और सनकी बिजनेसमैन विजय अग्निहोत्री का किरदार निभाया था जो अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। डर फिल्म के बाद शाहरुख खान का एक दूसरा नेगेटिव किरदार था जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। नंबर 3, इरफान खान। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता इरफान खान इंडियन सिनेमा के वो एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी। टीवी सीरियल चंद्रकांता से अपने करियर की शुरुआत करने वाले और फिल्मी पर्दे पर कई बेहतरीन किरदार निभाने वाले इरफान खान भी बॉलीवुड के उन्हीं बेहतरीन एक्टरों में शामिल है जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तो जीता ही था साथ ही पर्दे पर विलन बनकर बेस्ट विलन का अवार्ड भी जीता था। इरफान खान ने जब फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो ज्यादातर विलन के किरदार में ही नजर आते थे जिनमें उनकी फिल्म हासिल, मकबूल और द किलर जैसी फिल्में शामिल थी और उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म के विलन के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और ये फिल्म थी साल 2003 में आई हासिल। इस फिल्म ने इरफान खान के साथ जिमी शेरगिल और इशिता भट्ट नजर आई थी। इस फिल्म ने इरफान खान ने रणविजय सिंह का एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाया था जो बड़ा ही कमीने टाइप का था। इस फिल्म ने इरफान खान ने ऐसी एक्टिंग की थी जिसे देख इस फिल्म को तो सभी भूल गए थे पर आज भी इरफान खान का ये किरदार लोगों को याद है। विलन के बाद इरफान खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड साल 2017 में आई
की फिल्म हिंदी मीडियम के लिए मिला था। इस फिल्म में इरफान खान ने राज बत्रा का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटी की एडमिशन दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में हो जाए इसीलिए काफी कोशिश करता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि स्कूल वाले कैसे शिक्षा का धंधा करते हैं, तो उन सभी की पोल खुलता है। इस फिल्म में इरफान खान ने बेहद ही बेहतरीन किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नंबर 4, अजय देवगन। बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन बॉलीवुड के वो एक्टर है जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो कोई भी किरदार बड़े ही सहजता से निभा लेते हैं, फिर वो किरदार हीरो का हो या विलन का। अजय देवगन ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं, जिनमें उनके कुछ किरदार ऐसे रहे हैं जो लोगों के जहन में आज भी है। फिर वो किरदार सुल्तान मिर्जा का हो, बाजीराव सिंघम का हो, तानाजी मालुसरे का हो, या फिर दृश्यम फिल्म के विजय साळगावकर का हो। जिस तरह अजय देवगन ने फिल्मों में हीरो के किरदार निभाए है, उसी तरह उन्होंने विलन के भी निभाए है, जिसकी वजह से उन्हें बेस्ट हीरो और बेस्ट विलन के किरदार के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया है। अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड साल 2002 में आई उनकी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला था। इस फिल्म में उन्होंने शहीद भगत सिंह जी का बेहद ही बेहतरीन किरदार निभाया था, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड ही नहीं बल्कि नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वही बेस्ट एक्टर के बाद अजय देवगन को विलन के किरदार के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड साल 2002 में ही आई उनकी फिल्म दीवानगी के लिए मिला था। इस फिल्म में अजय देवगन ने ऐसे इंसान का किरदार निभाया था जो अपने प्यार के लिए किसी का मर्डर कर देता है और फिर मल्टीपल पर्सनालिटी का ढोंग करके उसके इल्जाम से बच निकलता है। इस फिल्म में अजय देवगन ने जिस तरह की एक्टिंग की थी वो काबिले तारीफ थी, जिसकी वजह से उन्हें बेस्ट विलन का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। नंबर 5, काजोल। बॉलीवुड में काजोल का नाम उन चंद अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने नायिकाओं को महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की विचारधारा को बदला ही नहीं बल्कि उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर नायिकाओं की सशक्त पहचान बनाई। काजोल ने बतौर अभिनेत्री अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की थी और फिल्मों में उन्हें पहचान साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर से मिली थी। काजोल के लिए ये कहा जाता है कि वो हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड तो जीता ही, साथ ही बेस्ट विलन का अवार्ड भी जीता है। काजोल ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड जीता है, जिनमें फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना और माय नेम इज खान जैसी फिल्में शामिल है। तो ही साल 1997 में आई उनकी फिल्म गुप्त के लिए उन्होंने बेस्ट विलन का अवार्ड जीता है। काजोल ने गुप्त फिल्म में एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो उसके प्यार के बीच आने वाले हर एक शख्स को मार देती है। इस किरदार की वजह से ही काजोल हिंदी सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री बनी थी जिसने बेस्ट विलन का अवार्ड जीता था। नंबर 6, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड में देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपने एक्टिंग से पहचान बनाई है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म द हीरो से की थी। इस फिल्म में वो साइड किरदार में नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म में साइड किरदार में नजर आने के बावजूद भी प्रियंका ने अपनी एक्टिंग से सभी का ध्यान अपने तरफ खींचा था, जिसकी वजह से उन्हें एक के बाद एक कई फिल्में मिली थी और इन्हीं फिल्मों में उन्होंने कई बेहतरीन किरदार निभाए थे, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया ही गया था। साथ ही उन्हें बेस्ट विलन के अवार्ड से भी नवाजा गया था। प्रियंका चोपड़ा काजोल के बाद बॉलीवुड की ऐसी दूसरी अभिनेत्री है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट विलन का फिल्मफेयर अवार्ड जीता है, जिसके बाद किसी अभिनेत्री ने नेगेटिव किरदार के लिए ये अवार्ड नहीं जीता है। प्रियंका चोपड़ा ने बेस्ट विलन का फिल्मफेयर अवार्ड साल 2004 में आई फिल्म ऐतराज के लिए जीता था। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने एक मॉडल का किरदार निभाया था जो अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने बेहद ही बेहतरीन एक्टिंग की थी, जिसकी वजह से उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बेस्ट विलन के बाद प्रियंका चोपड़ा ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड साल 2008 में आई फिल्म फैशन के लिए जीता था। इस फिल्म में भी उन्होंने एक उभरती मॉडल का किरदार निभाया था जो अपने सपने पूरे करने के लिए मॉडलिंग की दुनिया की चकाचौंध में फंस जाती है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने बेहद ही अच्छी एक्टिंग की थी, जिसकी वजह से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया था। तो ये थी हिंदी सिनेमा की 6 एक्टर जिन्होंने बेस्ट हीरो और बेस्ट विलन का फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किया था। अगर आपको किसी ऐसे एक्टर का नाम पता है जिसने ये दोनों अवार्ड अपने नाम किए हैं, तो उस एक्टर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।